हो गया? नहीं नहीं, मतलब आपका हो गया तो मैं वेलकम करूं सबको? नहीं। ओफो, आती हो, एक मिनट। ओके तो फाइनली हाय गाइस, मैं हूं दीपिका कक्कर इब्राहिम। हाय गाइस, वेलकम टू दीपिका की दुनिया। ओके सो हो गया ना आपका? तो इतना इंटरेस्टिंग व्लॉग आज मैं शूट करने वाली हूँ, ये मुझे परेशान करते जा रहे हैं। ओके सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट व्लॉग, जो भी आप बोलना चाहो, ऑफ कुक विद डीकेआई यानी कुक विद दीपिका कक्कर इब्राहिम। सो सॉरी, संडे को आना चाहिए था, आज मंडे हो गया है। हम आज ये पोस्ट करें क्योंकि कल हमने इसे रात में शूट किया है, बिकॉज मैं 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा लो थी, तो मैं इतनी आज भी अभी भी इस वक्त भी थोड़ी लो है, बट आई वाज लाइक कि नहीं, अब हो गया, अब ये स्टार्ट करना ही है। बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत 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 सारे डीएम्स आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक छोटी सी शिकायत है कि आप लोग मुझे अपने लिंक्स फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वाह, मतलब क्या बात है, मैं ही सारी मेहनत करूं, मैं हजारों डीएम्स भी चेक करूं, मैं जाके आपका वीडियो भी देखूं। गाइस, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब मैं डीएम खोलती हूं तो मैं जाके ऑल रिक्वेस्ट देखती हूं। अगर वहां पे लिखा हुआ है, इट्स इजियर फॉर मी टू रीड इट एंड देन ईदर सिलेक्ट इट और डिलीट इट। तो प्लीज थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, बिकॉज मैंने ये जो पेज बनाया है और मैंने ये जो स्टार्ट किया है, ये कुक विद डीकेआई इज फॉर द पैशनेट कुक्स। मतलब तो मैं देखना चाहती हूँ आपका लव फॉर कुकिंग, आपका पैशन फॉर कुकिंग। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तो मतलब पूरा डिटेल में विथ मेजरमेंट्स विथ सब कुछ लिख के देती, बिकॉज आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी माई रेसिपी देयर। सो प्लीज गाइज, अगर आप मुझे लिंक्स फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो मैं बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं एंड सैडली एटलीस्ट 80% वर द लिंक्स, सो उसमें से किसी का भी ओके नहीं हुआ है। प्लस मैं बेसिक रेसिपीज नहीं देख रही हूँ, मैं कुछ एक्साइटिंग, कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग देख रही हूँ, जो आपकी रेसिपी है या आपने किसी से सीखी है। सो समथिंग डिफरेंट वही ढूंढ रही हूँ मैं। एंड सो अभी पहले मैं आपको बताती हूँ, ये सब गप्पे तो बीच बीच में होती रहेंगी, जैसे जैसे मुझे कुछ कुछ याद आएगा मैं बोलती रहूंगी। सो आज की जो रेसिपी है वो है पनीर हंगामा। मुझे नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड द रीजन मैंने ये रेसिपी जो है वो फाइनली सिलेक्ट की इज बिकॉज इन्होंने, इनका यूट्यूब पेज है, फिर भी इन्होंने पूरा डिटेल में मुझे रेसिपी लिख के दिया था। सो मेरे लिए बहुत आसान था वो वहाँ पे रीड करना, उससे शॉर्टलिस्ट करना और फिर फाइनली उसे मतलब चूज करना, क्योंकि मैं यही बना रही हूँ। क्योंकि इन्होंने एक बहुत एक थोड़ा सा यू नो चाइनीज फ्लेवर है एंड प्लस इसमें हल्के कैश्यूज भी डले हैं, प्लस खड़ी लाल मिर्च भी डली है। तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए, इसका फाइनल टेस्ट कैसा होगा। सो दिस इज अर्पिता फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। हाय अर्पिता, एंड इनका यूट्यूब चैनल है एस ऑफ फूड, एंड आज मैं इनका इनकी ये रेसिपी बना रही हूँ। तो आइए जल्दी से आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, ऑलरेडी बहुत बोल चुकी हूँ। ओके सो मैंने फिलहाल यहाँ पे 600 ग्राम्स ऑफ पनीर लिया है, ये मेरे पास पैकेट पनीर था ऑफ 200 ग्राम्स ईच, तो मैंने अभी 3 रखे हैं। आई माइट यूज द होल थिंग और माइट रिड्यूस इट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई सी। अभी मैंने ये लिया है 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लावर। आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, बस जितना मैदा है उतना इक्वल अमाउंट का कॉर्नफ्लावर होना चाहिए। ये मैंने लिए हैं करीब 20 से 25 कैश्यूज यानी कि काजू, इसके साथ गार्लिक छोटा छोटा कटा हुआ, क्योंकि गार्लिक मेन फ्लेवर है इसीलिए गार्लिक थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो मैंने लिया लगभग 2 बड़े चम्मच। सॉल्ट, ये हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट हर लेवल पे ऐड करते रहेंगे। काली मिर्च का पाउडर, 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च, मैंने 4 ली हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज एंड सम रफली डाइस्ड कैप्सिकम, ये मैंने 1 बड़ी कैप्सिकम ली है। इसके साथ हमें चाहिए ऑयल, हमें चाहिए सोया सॉस एंड हमें चाहिए फ्रेश टोमेटो केचप। सो ये रहे सारे इंग्रेडिएंट्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कॉर्नफ्लावर और मैदा का एक बैटर बना के पनीर को डीप फ्राई करना है। तो चलिए सबसे पहले वो करते हैं। ये कॉर्नफ्लावर, ये मैदा, इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक एंड इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। हमें बहुत पतला बैटर नहीं बनाना है, बहुत मोटा भी नहीं बनाना है। आई थिंक जैसा हम पकौड़े के लिए बनाते हैं वैसा, तो बिल्कुल भी। अब हमें पनीर कट करना है, जो साइज आप प्रेफर करें उस हिसाब से। तो मैं ये इतना काटूंगी और इसके बाद बीच में से एक। ओके, सो ये मैंने एक छोटी कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और मैंने इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। एंड ये देखिए, ये बैटर मैंने इतना पतला किया है। अब मेरे अंदाज के हिसाब से ये सही है, पर अगर गड़बड़ हुई तो मैं दोबारा बना लूँगी, ऐड कर लूँगी, या आई थिंक पहले एक ही डाल के देखती हूँ। कल की बुलंद आवाज। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आप लोगों की क्लैरिटी के लिए मैंने एक कटोरी मैदा और एक कटोरी कॉर्नफ्लावर में करीब 3/4 कप पानी मिलाया था, तो वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। तो मैं इसी तरह ये सारे हल्के हल्के कोर्डिनेश कर दूंगी, जैसा ये हो गया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मिलते हैं। सो ये पनीर मैंने फ्राई कर लिया है पूरा, और मैंने इतना गोल्डन ब्राउन किया है, ज़्यादा नहीं कम नहीं। इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हमें पहले काजू और गार्लिक के पेस्ट के लिए चीजें सौते करनी है, तो हम वो करते हैं। इसे मैंने पैन लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल। जब तक ये ऑयल गर्म होता है तब तक हमें मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो मैं ये रखी, पहले मैं डालूंगी गार्लिक, रेड चिलीज। आई थिंक मैं तो ये बिल्कुल भी खा नहीं पाने वाली हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा तीखा होने वाला है और मुझे तीखे खाने से बहुत प्रॉब्लम होती है, पर मैं एक बाइट तो ले लूँगी। इसको हमें थोड़ा सा सौते करना है, ज़्यादा नहीं। अभी मैं इसमें कैश्यूज, अब ये कैश्यूज हमें तब तक फ्राई करने हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सच में। अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और मैं इसमें ये 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा टमेटो केचप डालूंगी। जब ये डालें आप तो थोड़ा सा पीछे हट जाए। एंड इवन वाइल जब आप पनीर फ्राई कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा स्प्लैटर करता है और ऑयल उड़ता है, सो प्लीज़ बहुत ख्याल रखें। ओके, सो ये दैट्स इट। अब इसे हम बंद कर दें, इसे थोड़ा ठंडा होने देना है और इसकी हमें एक प्यूरी, एक पेस्ट बनाना है मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके। तो ये ठंडा हो जाएगा और उसके बाद ही हम फाइनल जो ग्रेवी बनानी है, जिसमें हम सब कुछ एक साथ डालेंगे और हमारी डिश बनके रेडी होगी। सो आई थिंक मुझे 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, सो जो कैश्यूज का हमने मसाला बनाया था उसे मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। मैंने उसमें करीब 1 और इवन 1/4 से भी थोड़ा कम कप पानी डाला। अब हम फाइनल अपनी पूरी ग्रेवी रेडी करते हैं। सो उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और ये ऑयल गर्म हो जाए तो हम क्या ये, हाँ, अनियन और कैप्सिकम डालेंगे। मैं बोले वाली थी कैप्सिकम, पर मेरे हाथ में अनियन था। इसे तब तक सौते करना है जब तक ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाता। सो बेसिकली वाइल कुकिंग ऑल्सो एंड रीडिंग के वक्त भी मुझे ऐसे लगा दिस इज वेरी सिमिलर टू जो चाइनीज रेसिपीज हम लोग बनाते हैं, लाइक चिली चिकन और समथिंग। सो ये उससे बहुत सिमिलर है, लेकिन क्योंकि इसमें वो काजू का उनका खुद का एलिमेंट है इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं इसको थोड़ी देर, करीब हाई फ्लेम पे ही मैं इसको सौते कर रही हूँ बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली स्टरिंग इट। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा इसे सौते किया है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा सौते पसंद है। और इसमें अभी सोया सॉस डालनी है हमने। एक टेबलस्पून बड़ा चम्मच सोया सॉस, पेपर, हमारा पेस्ट। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है अपने हिसाब से। ये ग्रेवी वैसे ही बहुत थिक है, सो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी भी तरह का मैदा या कॉर्नफ्लावर कुछ भी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कैश्यूज यूज़ किए हैं। तो कैश्यूज जो हैं, काजू जो हैं, वो आपकी ग्रेवी को काफ़ी थिक बना देते हैं। अब ये देखिए, ये एक सॉस की तरह पतला हो चुका है हमारी जो ग्रेवी है। इसे थोड़ा कुक करेंगे एंड देन वी ऐड द पनीर। ओके, सो मुझे इतनी थिक ग्रेवी चाहिए तो फाइनली आई विल ऐड द पनीर। और ये बहुत ज़्यादा पनीर है तो मैं इतना नहीं डालूंगी, आई थिंक मैं इसका हाफ डालूंगी। यम! थोड़ी देर कवर करके मैं छोड़ना चाहूंगी ताकि जो पनीर है उसमें सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से रच जाएं और जब हम खाएं तो वो सुपर यमी लगे। अब मैंने ये ऑफ कर दिया बिकॉज अब हमें इसे पकाने की और बिल्कुल जरूरत नहीं है। दैट्स इट। इसे कवर करके 10 मिनट के बाद सर्व करते हैं। ओके, सो हमारा पनीर हंगामा रेडी हो चुका है एंड हमारे टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कंपेनियन भी आ चुके हैं। सो फटाफट सर्व करते हैं। कैसा है, कैसा लग रहा है? खुशबू अच्छी है। मुझे भी बनाते हुए खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। सो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं और हम अर्पिता को जेन्युइन फीडबैक देते हैं। हाँ। करो, पहले आप करो। कैसा है? कुछ डिफरेंट है, कुछ इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा। डिफरेंट फ्लेवर है थोड़ा सा। सो इट्स यम, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्यादा खाने के बारे में डिटेलिंग में मुझे नहीं आता है, वो आपको ये बताएगी, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। मतलब सी बेसिकली दिस इज लाइक अ चाइनीज, जैसे हम चिली चिकन या कुछ बनाते हैं, वेरी सिमिलर, लेकिन क्योंकि इन्होंने वो अपना एक तड़का ऐड किया है उससे बहुत ही फ्लेवर अलग हो गया है एंड बहुत यम लग रहा है। पर इसका नाम हंगामा मत रखो यार, इसका नाम तो यू नो बिकॉज इट्स जस्ट मेल्टिंग इन योर माउथ। हंगामा नहीं, मतलब मैं सिर्फ सजेशन दे रही हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। बहुत बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन आपने फ्लेवर्स का डाला है। एंड श्योर, आपको क्या लगता है आप इसे किसके साथ खाना पसंद करोगे? मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, किसी चीज के साथ। हाँ, इसकी ग्रेवी भी है और थिक भी है, जितना भी थिक ग्रेवी है। तो आप जो चाहें इसको तो रोटी ब्रेड से भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। रोटी के साथ अच्छा नहीं लगेगा ये? इसी डिपेंड करता है, लोग तो चावल से भी कई लोग रोटी खा लेते हैं, राइट? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये रोटी के साथ नहीं जाएगा। एंड मेरा फेवरेट है गार्लिक ब्रेड, ये मेरे घर के वर्जन का गार्लिक ब्रेड है। तो मैंने क्या बोला? रोटी एंड ब्रेड। अरे लेकिन रोटी और ब्रेड दो अलग अलग चीजें। तो मैं इसे गार्लिक ब्रेड के साथ ट्राई करने वाली हूँ। सो आई रियली होप आप सारा पनीर खत्म कर दो, मतलब मेरे लिए मत छोड़ो पनीर आप। अब मैं ये ट्राई करने वाली हूँ इसके साथ। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। मुझे वैसे भी तो आपकी जैसी मर्जी, आप वैसे खाइए, लेकिन एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई जरूर कीजिए। कुछ बहुत डिफरेंट है, कुछ बहुत यम है। और मुझे लगता है वो जो पीनट्स डाल के थोड़े ब्लैंड से हम लोग नूडल्स बनाते हैं ना, उसके साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत यम लगेगा। सो वेरी गुड अर्पिता, इट्स अ लवली डिश। एंड अगर मैंने कुछ गड़बड़ की है आपकी रेसिपी में, सो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा और हम वो कमेंट को पिन कर देंगे अगर कोई इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हो। बाकी ये था हमारा पहला एपिसोड और टू कुक विद डीकेआई। यस, कुक विद डीकेआई। और आप सबसे बोलना चाहेंगे कि इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। क्या नाम है इनके चैनल का? कुक एस ऑफ फूड। सॉरी, मैंने इसके बिगनिंग में बोला था। हाँ, तो इनके चैनल को भी आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और क्योंकि क्या पता आपको किस के थ्रू आपको चीज कुछ सीखने को मिल जाए, अच्छी रेसिपी सीखने को मिल जाए। और हमें तो बहुत मिलने वाली है, आई एम श्योर। तो थैंक यू अर्पिता भेजने के लिए, और ये रही आपकी रेसिपी। सो थैंक यू। एंड मुझे बहुत मजा आया आपकी रेसिपी बना के। अब फॉर नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ बोलने वाली हूँ, कुछ एक टॉपिक देने वाली हूँ, और उस हिसाब से आप मुझे रेसिपीज भेजिए, वरना मेरे लिए सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो जैसे इनकी रेसिपी मैंने सिलेक्ट की बिकॉज इट वॉज अ पनीर विद अ डिफरेंट तड़का दैट शी एडेड। सो आप मुझे मोमोज, कुछ इंटरेस्टिंग मोमोज विद अ सॉस, मैं विदाउट सॉस सिर्फ मोमोज की रेसिपी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं कोई वीडियोज एक्सेप्ट नहीं करूंगी। प्लीज थोड़ी मेहनत कीजिए, रेसिपी टाइप कीजिए विथ इंग्रेडिएंट्स, मेजरमेंट्स, सब कुछ। लेट्स मेक सम यम वेज नॉन वेज एनी मोमोज विथ अ गुड सॉस। सो लुकिंग फॉरवर्ड। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा लोग सीख सकें हमारी इस कुक विद डीकेआई। और आज का मेरे ख्याल से तुम्हारा ये स्पेशल वीडियो हमेशा डेडिकेट होता है, इसकी रेसिपी होगी फ्रेंड्स के लिए, तो ये उनके लिए, तो उनको भी उनके लिए इस बार इनके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, उनको भी सपोर्ट कीजिए। और बिल्कुल, हमें तो आप लोग सपोर्ट करते ही हैं। यस, और मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है कुक विद डीकेआई, उस पे अपनी सारी रेसिपीज डीएम कीजिएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप किसी फेक पेज पे ना जाएं। तब तक जस्ट स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।